बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी बहुत छोटे यूनिट से बनी है जिनको हम सेल्स कहते हैं। तो जो हम शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सिंपल शुगर्स यानी ग्लूकोस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं जिनको हम पाइरूवेट कहते हैं। आपने अपनी एनर्जी लूज की लेकिन कुछ टाइम बाद आप फिर अपने आप रिचार्ज हो गए, तो आपकी एनर्जी लूज हो रही है एंड एट द सेम टाइम आप रिचार्ज भी हो रहे हैं। ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन कर सकता है। तो क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या हैं? चाहे प्री वर्कआउट की तरह यूज करें, बिफोर वर्कआउट लें या आफ्टर वर्कआउट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तभी ये आपको 15 टू 20 डेज में रिजल्ट दिखाएगा। ऑलराइट, सप्लीमेंट्स की दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? वो कौन सा सप्लीमेंट है जो आपको पावर भी दे, स्टैमिना भी दे, आपका फोकस भी इंप्रूव करे, आपसे अच्छी स्क्वाट्स भी लगवाए और पुशअप्स भी करवाए और साथ ही साथ आपको मैराथन भी दौड़वाए, वो आपकी ट्रेनिंग से जल्दी रिकवरी भी करवाए, वो अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज से भी बचाए, और यही नहीं वो सबसे चीप और सबसे अवेलेबल सप्लीमेंट हो। क्या ये हम एक सप्लीमेंट से बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा एक सुपर हीरो सप्लीमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो आइए आज ब्लूम एंड इवॉल्व फिटनेस में इसी सप्लीमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। ये हमारे स्केलेटल मसल्स में बनता है और हमारी बॉडी को जबरदस्त एनर्जी देता है। ये नेचुरली हमको फिश, मीट, चिकन से एक्सटर्नली मिल जाता है या पाउडर फॉर्म में स्पोर्ट्स सप्लीमेंट से मिल जाता है। एक 70 केजी के लीन बंदे में लगभग 120 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन नेचुरली होता है। तो जब आप अपनी बॉडी में क्रिएटिन सप्लीमेंट एक्सटर्नली लेते हैं तो आप अपने क्रिएटिन रिजर्व्स को बढ़ाते हैं, और जब बॉडी के पास थोड़ा सा भी क्रिएटिन एक्स्ट्रा होता है तो वो उसे वाइटल फंक्शंस के अलावा काफ़ी सारे फिजिकल एक्टिविटीज में यूज कर सकती है, जिससे कि बॉडी और एनर्जेटिक लगती है। लेकिन क्रिएटिन एनर्जी बनाने में हेल्प कैसे करता है? इसके लिए मुझे और आपको क्लास 9th की बायोलॉजी लेसन्स रिवाइज करने पड़ेंगे। बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी बहुत छोटे यूनिट से बनी है जिनको हम सेल्स कहते हैं, ये तो सबको पता ही है, लेकिन क्या आपको ये याद है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट करो। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी। और एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, लेकिन वो क्या होता है? तो जो हम शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सिंपल शुगर्स यानी ग्लूकोस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं जिनको हम पाइरूवेट कहते हैं। तो एक पाइरूवेट हमारे एरोबिक और एनारोबिक पाथवे से होते हुए 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहां से असली गेम शुरू होता है। हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी को ब्रेक डाउन करती है और इससे एटीपी बन जाता है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट आयन फ्री हो जाता है। अब हमारा सुपर हीरो क्रिएटिन आपकी बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो वो जाकर इस फ्री फॉस्फेट आयन को पकड़ता है और क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है। तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट मॉलिक्यूल वापस एडीपी के साथ टकराता है और बूम, और फॉस्फेट आयन को वापस एडीपी को दे देता है। तो एडीपी एक्चुअली में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? एटीपी सबसे पहले ब्रेकडाउन हुआ, उसने हमें एनर्जी दी, एक फॉस्फेट आयन को उसने फ्री किया, क्रिएटिन उस फॉस्फेट आयन के साथ बाइंड करता है और फिर वापस एडीपी से टकराता है और एडीपी वापस एटीपी बन जाता है। तो आपने अपनी एनर्जी लूज की लेकिन कुछ टाइम बाद आप फिर अपने आप रिचार्ज हो गए, तो आपकी एनर्जी लूज हो रही है एंड एट द सेम टाइम आप रिचार्ज भी हो रहे हैं। ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन कर सकता है। तो क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या हैं? क्रिएटिन सबसे पहले एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है, आपकी पावर और आपकी स्टैमिना को बढ़ाता है, आपके ब्रेन फंक्शंस को बेटर करता है, एज रिलेटेड मसल लॉस से बचाता है, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज से आपको बचाता है, कोई भी आपकी मसल पेन या सोरनेस से आपको बहुत जल्दी रिकवरी देता है, और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सप्लीमेंट है। महज 500 रुपए में आप पूरे महीने का स्टॉक खरीद सकते हैं। सो इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए? रिसर्च कहती है कि 5 ग्राम्स पर डे 30 डेज तक लिए और फिर 30 डेज इसको छोड़ दिए।
इसी साइकिल को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, मतलब 30 डेज ऑन फिर 30 डेज ऑफ फिर 30 डेज ऑन फिर 30 डेज ऑफ, इस तरह से आप ऑल्टरनेट करते रहिए और क्रिएटिन से अपने आप को लोड और अनलोड करिए। क्रिएटिन लेना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी कार में पेट्रोल भर रहे हैं, टैंक फुल होने के बाद पेट्रोल ओवरफ्लो हो उसका कोई यूज नहीं, बल्कि आप टैंक को यूज करते हैं, पेट्रोल को यूज करते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर टैंक फुल कराते हैं, है ना। तो इसी तरह क्रिएटिन का भी मैकेनिज्म है जिसमें आप उसको कुछ टाइम फुल करते हैं और फिर बॉडी को यूज करने देते हैं। क्रिएटिन लेने का सही टाइम क्या है? इसका आंसर है किसी भी टाइम, वर्कआउट से पहले लिए या वर्कआउट से बाद लिए। क्रिएटिन कैफीन की तरह आपको हिट नहीं देता, बल्कि स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है और फिर आपको कमाल दिखाता है। क्रिएटिन लेने के 15 से 20 दिन बाद एक्चुअली आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। क्रिएटिन को सेफली लेने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनकी गाइडेंस में ही क्रिएटिन लीजिए। रेगुलर ब्लड टेस्ट कराइए, खूब सारा पानी पीजिए और कभी 5 ग्राम पर डे की लिमिट को क्रॉस मत करिए। एथलीट्स एक लोडिंग मेथड यूज करते हैं जिसमें वो 20 ग्राम क्रिएटिन रोज लेते हैं फॉर फर्स्ट 7 डेज। ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है और ये सिस्टम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कभी, बिकॉज इससे काफ़ी ब्लोटिंग और काफ़ी स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। सो क्विक Q&A ऑन क्रिएटिन, क्या क्रिएटिन से मसल गेन होती है? यस, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या हम क्रिएटिन रोज यूज कर सकते हैं? हाँ, 3 ग्राम रोज यूज कर सकते हैं बिना डिसकंटिन्यू करे, लेकिन एक बार आपको डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है। क्या इसे प्री वर्कआउट की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, चाहे प्री वर्कआउट की तरह यूज करें, बिफोर वर्कआउट लें या आफ्टर वर्कआउट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तभी ये आपको 15 टू 20 डेज में रिजल्ट दिखाएगा। क्रिएटिन बल्किंग फेज में लेना चाहिए या लीनिंग फेज में? ये आप दोनों ही फेजेस में ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप अभी किस फेज में चल रहे हैं। क्या क्रिएटिन से फैट बर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप इंटेंस कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसके साथ करें। क्या इसको लेने से एक्ने हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या क्रिएटिन स्पोर्ट्स में बैंड है? क्या ये डोपिंग कंसिडर होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है, कोई भी नेचुरल सप्लीमेंट डोपिंग नहीं होता और ना ही बैंड हो सकता है। क्या क्रिएटिन से वाटर रिटेंशन होता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये इंट्रासेल्युलर होता है और ये हमारी मसल को फुलनेस देता है। ऐसा नहीं है कि वाटर होल्ड होने के बाद आपकी टमी का साइज बढ़ जाए या आप बहुत बड़े लगने लगो, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, एक आपकी एक मसल में एक जो एक हार्ड लुक है वो जरूर आ जाएगा। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, ब्लू एंड इवॉल्व जस्ट लाइक अ सुपरस्टार सुपर हीरो क्रिएटिन। थैंक यू।